डाडासीबा में लोहड़ी पर्व की धूम। स्थानीय दुकानदार, बच्चों एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया लोहड़ी त्योहार। डाडासीबा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय दुकानदारों ने गुरुवार को लोहड़ी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह मनकोटिया एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई फसल के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह लोहड़ी का पर्व भारत की रंग बिरंगी संस्कृति का परिचायक है। अंडा है, अंडा फुट गया अंडा, पनीर लोड़िया, दो पेड़ा गोरिया, एक पेड़ काली, कटर पिज्जे चाली। के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज डाडासीबा में लोहड़ी का उपलक्ष्य बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पे हमें बच्चे काफी हर्षोल्लास से दिखाई दिए, जिन्होंने काफी अपना जो होली लोहड़ी का कल्चर है वो काफी लोगों के सामने प्रदर्शन कराया। कैसे कैसे लोहड़ी मनाई जाती है सब हमें दिखाई दिया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे काफी हर्षोल्लास से मार्केट में देख रहे थे, घूम रहे थे। उनको हमने मूंगफली रोड़ी आदि देखकर खुश किया। बाकी अच्छा लगा, इस बार त्योहार काफी अच्छा था, मार्केट में अच्छी। सर, ये लोहड़ी का त्योहार डाडासीबा में उत्साह पूर्वक मनाया गया, सर इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं आज लोहड़ी के उपलक्ष्य में समस्त जसवा प्रॉपर वासियों को और प्रदेशवासियों को, भारतवर्ष के सारे वासियों को मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि सबका अगला साल मंगलमय हो, सुखी रहें, सभी समृद्ध हो, स्वास्थ्य उनका सबका ठीक रहे और किसी पर भी कोरोना महामारी का प्रकोप ना पड़े। आज जो लोहड़ी का उत्सव मनाया गया है, ये एक्चुअली मैंने नहीं रखा, मैं तो किसी जरूरी काम से गया था, लेकिन इन सभी युवा ने जो सारे उत्साहित है लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, तो इन सब ने अरेंज किया हुआ है, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। डाडासीबा से आपका फैसला टीवी के लिए कमल की रिपोर्ट।